हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को मैना के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैना दिखने में बहुत ही सुंदर और छोटा पंछी है, जो अधिकतर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ये पंछी इंसान के आसपास रहना पसंद करती है और ये काले भूरे रंग के होते हैं। मैना की गर्दन काले रंग की होती है और चोंच नारंगी रंग की होती है। ये पंछी अधिकतर गांव के मैदानों, तालाबों और खेतों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये पंछी अपना घोंसला बनाती है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे पंछी के घोंसले में अंडा देती है। ये अपना घोंसला मकान के छतों पर और पेड़ों के खोखले में बनाते हैं। मैना जुलाई और अगस्त के महीने में अंडे देती है और ये 4 से 5 अंडे देती है। इनको अंडे सेने में करीबन 13 से 15 दिन लग जाते हैं। ये पंछी की आवाज बहुत ही सुंदर होती है और इनकी आंखों के आसपास का हिस्सा लाल रंग का होता है। इनकी लंबाई 20 से 24 सेंटीमीटर की होती है। पूरी दुनिया में लगभग इनकी 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहाड़ी मैना, जो कि छत्तीसगढ़ और मेघालय के राज्य का राज्य पंछी है, इसकी मीठी बोली के कारण पालतू पंछी के रूप में इसे पाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय मैना की पीठ और शरीर का मुख्य रंग भूरा होता है और इनका पेट सफेद रंग का होता है। मैना की छाती और सिर का रंग काला होता है और चोंच पैर आंखें पीले रंग की होती है। मैना सर्वाहारी पंछी हैं, जो कि बीज कीड़े मकोड़े तक खा जाते हैं। और मैना के कुछ प्राकृतिक दुश्मन भी हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ते और सांप, जो कि मैना पंछी का शिकार करते हैं। मैना पंछी की लंबाई करीबन 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इस पंछी का वजन करीब 120 ग्राम से 150 ग्राम तक होता है। दूर से देखने पर नर और मादा एक समान ही लगते हैं। अधिकतर मैना पंछी समूह में यानी झुंड में रहना पसंद करती हैं और उनके झुंड में करीब 20 से 40 मैना होते हैं। इनका औसतन जीवन काल लगभग 4 से 5 साल के आसपास होता है। तो मैंने आपको मैना के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।